आज मैथ क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फिर भी इस वीडियो में करा चुका हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार नंबर 1। आप देखिए ये क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन नहीं आ रहा है, फिर लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट के साथ, 21 से 20। आखिरी को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या है कोएफिशिएंट 1, 21 से 20। अब मल्टीप्लाई करें 20 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। इस पर ऐसा टेबल लेके जाएं जब इनको मल्टीप्लाई करें 20 आना चाहिए, जब उन दोनों को प्लस माइनस करें -1 आना चाहिए, तो कौन सा टेबल होगा 5, 4 से 20। और सेंटर में क्या चाहिए, माइनस चाहिए तो बड़े साथ माइनस लगा दें, और -1 चाहिए तो छोटे के साथ प्लस लगा दें। देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 निकाले 1 और साइन कौन सा, बड़े के साथ माइनस तो माइनस दिखाएंगे। याद है हमारे पास एक्स के माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। ये क्या फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मिड टर्म को ब्रेक करना, तो मिड टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब दो तो पेयर बनाएंगे, टू टू पेयर बनेंगे इस तरह। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर जाएगा 1x, दो दफ़ा देखा कॉमन, एक दफ़ा अंदर आएगा माइनस 5। एक्स एक दफ़ा कॉमन चला गया था, अब फोर कॉमन आ रहा है इसमें, फोर कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस 4, 5 से 20 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, इनको कॉमन कर दें, एक दफ़ा लिखेंगे और बाहर वालों को एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इस पहले का बराबर 0 करेंगे, फिर दूसरे का बराबर 0, पहले का बराबर 0 करें फिर दूसरे का बराबर 0 और दरमियान 9 लगा दें। एक्स को सेपरेट करें, -5 इधर आगे +5, +4 इधर आगे -4, ये आगे सोल्यूशन से 5 एंड -4। आप क्वेश्चन नंबर देखें, पार्ट नंबर आप कर लेते हैं 5, पार्ट नंबर 5 लिखें, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 बाई 12। अब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब सबसे एलसीएम दें, एलसीएम लेके आ रहे हैं 12 एक्स प्लस 1, जो एलसीएम होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम क्या है 12 एक्स प्लस 1, तो देखिए बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 12 एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। अब इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, 12 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x+1 बाई x, फिर दूसरे काम के साथ भी करेंगे 12 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x+1 इज इक्वल टू, फिर एलसीएम देखेंगे x 12 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 25 बाई 12। जो एलसीएम होगा ना उसको हर एक के साथ लिखेंगे, अलग इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी। अब जो करते हैं काट दें, एक्स एक्स काट दें, अब 12 रहेगा यहाँ पे 12 लिखें। मल्टीप्लाई के अंदर बिल्कुल सेम पावर ऐड होती है, देखिए बिल्कुल सेम है, x+1 x+1, तो इसका मतलब है एक दफ़ा और एक दफ़ा पावर में क्या 2 आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम पावर ऐड होती है, तो एक दफ़ा और एक दफ़ा 2 दफ़ा प्लस x+1 x+1 कैंसिल। अब 12 लिखेंगे और x सेम है बिल्कुल, x एक दफ़ा पावर में 2 आ जाएगा, x की पावर 2 इज इक्वल टू 12 और 12 काट दें। अब पहले बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, 25 1 से 25 x, x+1 वैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, 12 को काट दें यहाँ पे 1 आ गया, 25 1 से 25 x और x+1 वैसे आएगी। अब ये बन गया फार्मूला, अब फार्मूला खोलें, पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा फार्मूले का 2, पहली रकम लिखें x, दूसरी रकम 1 है तो 1 लिखा जाता है। ठीक है, पहली का स्केयर जमा दूसरी का स्केयर जमा फार्मूले का 2, पहली जरा दूसरी, दूसरी 1 है तो 1 लिखा जाता है, प्लस 12 एक्स स्केयर वैसे आएगा इज इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 25 1 से 25 x 1 और x1 x स्केयर 25 x 1 सर 25 x,
जब भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बाय जो भी होगा उसको दोनों के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप ब्रैकेट खोलेंगे इस बाय वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 वन सर 12 एक्स क्यूब 12 वन सर 12। आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 12 टू सर 24 एक्स। ठीक है, जब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो बाय जो होगा उसको अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 12 एक्स क्यूब ऐसे आएगा, ये भी इस तरह देखेंगे और ये भी इस तरह। अब इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स है तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर, बाकी 12 प्लस 24 एक वैसे आएंगे। इनको इधर लेके आए प्लस इधर आ गया होगा माइनस, प्लस इधर आ गया होगा माइनस, इज इक्वल टू क्या आगे जीरो। अब 25 एक्स स्क्वायर में से 24 एक्स स्क्वायर निकालें क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 25 एक्स में से 24 एक्स निकालें माइनस एक्स और प्लस 12 वैसे आएगा इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, शुरू में कह रहे माइनस कॉमन आ रहा है, शुरू में माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब जो कॉमन होगा उसको इग्नोर कर देंगे, अंदर वाले को बाहर निकालें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, बाकी पार्ट इधर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब उसे सॉल्व कर दें, फैक्टराइजिंग मतलब आखिरी को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना। अब इसके लिए फैक्टराइजेशन आखिरी को पहले के साथ, यहाँ पे 1 12 वन सर 12, अब मल्टीप्लाई करें 12 आए प्लस माइनस करें, यहाँ पे प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 आना चाहिए तो क्या होगा 4 3 सर 12। सेंटर में प्लस चाहिए, बड़े साथ प्लस लगा दें फिर छोटे के साथ माइनस, देखिए 4 में से 3 निकालें 1 ही आएगा प्लस 1, तो मिड टर्म को ब्रेक कर दिए, आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। देखिए मिड टर्म को ब्रेक करना इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब दो दो पेयर बना दें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स, अंदर जो एक एक्स दो दफ़ा इधर कॉमन इधर अंदर प्लस 4 आ जाएगा, एक्स एक दफ़ा इधर कॉमन चला गया खत्म, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है अंदर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 4 सर 12 इज इक्वल टू जीरो। अब ये और जो सेम आ गए इनको कॉमन करेंगे, दर वन प्लस माइनस हो और एक जैसे कॉमन कर सकते हैं तो ये बिल्कुल सेम है कॉमन कर दें, और बाहर वालों को एक ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब पहली रकम बराबर जीरो, दूसरी रकम बराबर जीरो, एक्स सेपरेट कर दें प्लस 4 इधर आके माइनस 4 माइनस 3 इधर आके प्लस 3, तो ये आ गया सोल्यूशन सेट। इस तरह आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, माइनस 4 एंड 3 ये आंसर। इस तरह आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सबका मेथड सेम है, सबकी करनी फैक्टराइजेशन, इस तरह आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें ताकि रोज़ की वीडियो आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।